ख्वातीनों हज़रात किसी भी मुल्क की खुफिया एजेंसियों के बारे में एक आम आदमी के दिल में कई एक हैरत अंगेज़ और गैर हकीकी हाके होते हैं, और बिलखसूस नौजवान तबका ये समझता है कि इन एजेंसियों में काम करने वाले लोग शायद कोई मफूकुल फितरत कुवतों के मालिक होते हैं। दोस्तों, ISI यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस कामयाब पाकिस्तान के एक साल बाद पाकिस्तान को बरूनी खतरात से बचाने के लिए और पाकिस्तान को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए कायम की गई। ये एक बहुत ही बावकार और मुनज़्ज़म अदारा है और पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI के काम करने के तरीके और इसकी पावर के बारे में जानते भी हैं और इससे खौफ भी महसूस करते हैं। आज की दी एजुकेशन सिटी की वीडियो में हम एक ऐसे ही गुमनाम हीरो के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे कबल के इस हैरतनाक दास्तान का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपसे गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दी एजुकेशन सिटी के सब्सक्राइबर बन जाएं, ताकि ऐसी ही मालूमती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम होने वाले इस मुल्क के गुमनाम हीरोज़ अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकस और तैयार रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस गुमनाम हीरो की बात करेंगे, इसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये वो गुमनाम हीरो है जिन्होंने बोसनिया में बहुत से मुसलमानों को नस्लकशी से बचाया और बोसनिया में आने वाले सीरियन आर्मी को शिकस्त दी थी। ये सादा सी तबीयत रखने वाले बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ये दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म और नंबर वन खुफिया एजेंसी ISI का साबिक सरबराह है और इनका नाम जनरल जावेद नासिर है। दोस्तों, यहां आपको एक बात और बताएं कि अफगानिस्तान में रूस की शिकस्त के बाद जनरल जावेद नासिर ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था, जिसमें उन्होंने दो मुसल्ला ग्रुप्स के दरमियान सुलह करवाकर बहुत बड़े फितने और फसाद को जड़ से खत्म कर दिया था। ख्वातीनों हज़रात, ये वो लोग हैं जो अपनी सारी जिंदगी गुमनाम ही गुजार देते हैं और लोगों के सामने नहीं आते। जनरल जावेद नासिर ने अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी और यही वजह थी कि इनके मुल्क से मोहब्बत और जज्बा कुछ लोगों को पसंद नहीं था, और 90 की दहाई में बरूनी ममालिक के दबाव की वजह से इनको ओहदे से हटा दिया गया था। और इनके काम सबसे ज़्यादा मसला अमेरिका को था और अमेरिका के कहने पर ही इनको इनके ओहदे से हटा दिया गया था। दोस्तों, उन्होंने बोसनिया के मुसलमानों की मदद की थी और यही वजह थी कि अमेरिका ने 2011 में जनरल जावेद नासिर की हवालगी का मुतालबा भी किया था, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको मुस्तरद कर दिया था। और आजकल मुल्क से मोहब्बत और बेहतरीन जहानत रखने वाला ये इंसान तबलीगी जमात में दीन की इशात का काम कर रहा है। यकीनन लोग हैरान होंगे कि ऐसे जनरल भी हमारी फ़ौज में रहे हैं जो आज दावत तबलीग के मैदान में अपना अजीम किरदार निभा रहे हैं। दोस्तों, जब ये एक आम से सादा लो इंसान की तरह जमात में जाते हैं तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारे मुकामी तबलीगी अमीर की तरह लगने वाला ये बाबा दुनिया की मायानाज इंटेलिजेंस एजेंसी का सरबराह रह चुका है। इस अजीम इंसान ने अपनी सारी जवानी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एजेंसी में ड्यूटी करते हुए गुजार दी और अब बुढ़ापे में इनकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई, आज भी एक मुकद्दस फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी गुमनाम ही गुजार देते हैं और लोगों के सामने नहीं आते। ये लोग वतन अजीज़ की हिफाजत की खातर अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर देते हैं और अपने देश को ऐसे फवायद पहुँचाते हैं जिनका कोई अजाला नहीं कर सकता। नाजरीन, ये वो गुमनाम सिपाही है जिनकी वजह से हम लोग चैन और सुकून की नींद सोते हैं। अगर आप अपनी फौज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो इसके इजहार करने में क्या हर्ज है? कमेंट सेक्शन में ISI पाक हो जो पाकिस्तान जिंदाबाद लिख कर पूरी दुनिया को यह पैगाम दीजिए कि पाकिस्तानी कौम अपने गुमनाम हीरोज़ और अपने वतन के मुहाफिज बेटों से किस कदर मोहब्बत करती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपने हमारा दी एजुकेशन सिटी को चैनल को पहली दफ़ा देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाएं, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसे ही मालूमती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।